दोस्तों Realme ने फिर से लॉन्च कर अपना नया सी सीरीज फोन जो है Realme C12, जहाँ पे ये भी अपने फोन ट्रेंड को फॉलो करता है, जहाँ पे आपको इसमें भी एक मैसिव बैटरी देखने मिलेगा, जहाँ पे आपको मैं ये वीडियो में पूरे इसके फीचर्स बताऊंगा। इसके साथ दोस्तों इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो ये आता है आपको ऑलमोस्ट 9,000 रुपीज में। देखते रहिए पूरा वीडियो इसके पूरे फीचर्स जानने के लिए। तो मेरा नाम है हरजोत सिंह और आप देख रहे हैं सुपर सिंह। दोस्तों पहले हम बात करते हैं ये Realme C12 में आपको क्या क्या इनबॉक्स मिल जाते हैं। तो आपको इसमें हैंडसेट मिल जाता है, इसके साथ सिम इजेक्ट टूल, थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन और माइक्रो यूएसबी टू यूएसबी केबल और एक स्टैंडर्ड 10 वॉट का चार्जर। दोस्तों बात करते हैं इसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में, जहाँ पे आपको राइट साइड में पावर ऑन पावर ऑफ बटन मिल जाएगा, वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाएगा, लेफ्ट साइड में आपको सिम इजेक्ट ट्रे, जहाँ पे आपको डेडिकेटेड सिम ट्रे देखने मिलेगा, जो बहुत ही ज़्यादा बड़े अगर आपको स्टोरेज बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं। दोस्तों नीचे की तरफ आपको स्पीकर ग्रिल, माइक्रो यूएसबी पोर्ट और उसके बाद जो ऑक्स केबल मिल जाता है। दोस्तों अगर बात करें ये फोन के डिजाइन इसके बिल्ड के बारे में, तो दोस्तों काफी ज्यादा बढ़िया बिल्ड और अच्छे डिजाइन के साथ आता है, जहां पे आपको पीछे की तरफ एक यूनिक डिजाइन दिखेगा। और ये जो फोन है को काफी ज्यादा बल्कि मतलब थोड़ा बहुत हैवी है, जहां पे ये 209 ग्राम्स का ये फोन आता है। दोस्तों ये जो फोन है आपको ये जो हैवीनेस है इसके लिए, क्योंकि आपको इसमें 6000 mAh की मैसिव बैटरी देखने मिलती है। जो दोस्तों और एक अच्छी चीज़ है कि आपको जो ये फोन है आपको आराम से कंफर्टेबली आप पकड़ पाएंगे, क्योंकि पीछे की तरफ आपको जो डिजाइन है उसकी मदद से और इसकी मदद से भी कि आपको जो एजेस है उसमें आपको थोड़ा टिल्ट मिल जाता है, जिसकी मदद से आप फोन को आराम से पकड़ पाएंगे और इसलिए शायद से आपको ये फोन में केस की भी डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और शायद से इसके लिए आपको ये डब्बे में केस नहीं मिलता है। और पीछे की तरफ आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, उसके साथ फिंगरप्रिंट सेंसर, सामने की तरफ आपको एक मिनी ड्रॉप फुल स्क्रीन मिलता है। अगर हम इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें तो आपको इसमें 6.5 इंच की HD प्लस डिस्प्ले देखने मिलेंगी, जहां पे आपको 88.7% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने मिलता है। दोस्तों डिस्प्ले के बारे में बात करें तो काफी अच्छा डिस्प्ले आता है। अगर हम ये प्राइस पॉइंट के बारे में बात करें तो आपको कुछ भी डिस्प्ले में कंप्लेंट नहीं होंगी, जो भी व्यूइंग एंगल से जो भी डिस्प्ले क्वालिटी एक 9000 के हिसाब से काफी ज्यादा बढ़िया आपको मिलता है। दोस्तों बैटरी की बात करें तो वही आपको एक मैसिव 6000 mAh की बैटरी देखने मिलेंगी, जहां पे आपको आराम से अगर आप एक नॉर्मल यूजर है नॉर्मल यूसेज करें तो आपको आराम से 1.5 से 2 दिन चल जाएगा, और अगर आप एक हल्का फुल्का हैवी यूजर है तो आपको आराम से 1 से 1.5 डे चल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको जो ये चार्जर मिल रहा है, मतलब एक 5 एम्पियर्स का चार्जर या 10 वॉट का चार्जर मिल रहा है, जो एक स्टैंडर्ड चार्जर है, जहाँ पे ये 6000 mAh को ये बैटरी को चार्ज करने में कम से कम 3 घंटे या 3 से ऊपर घंटे लगाएंगा, जो मेरे हिसाब से एक मतलब एक थोड़ा फास्ट चार्जर बंडल होता तो आपका थोड़ा जो बैटरी चार्ज है वो थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो जाता था। दोस्तों बात करते हैं इसके कैमरा सेटअप के बारे में, जहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने मिलता है, जहाँ पे आपको 13 MP का प्राइमरी कैमरा, 2 MP का माइक्रो लेंस, 2 MP का ब्लैक एंड व्हाइट लेंस मिल जाता है। दोस्तों ये जो कैमरा है ये रेयर कैमरा है, उसमें आप 1080 पिक्सल्स तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे और जो क्वालिटी है कैमरा का एक एवरेज किस्म से है, मतलब जो व्हाइट मोड है उसमें भी आप अच्छे फोटोज नहीं ले पाएंगे, आप या पोर्ट्रेट मोड या जो भी मोड लेना चाहते हैं आप आराम से तो ले पाएंगे। और ओवरऑल अगर पूरे कैमरा की बात करें तो एक एवरेज किस्म का कैमरा है, आप नॉर्मल फोटोज तो ले पाएंगे लेकिन उतने ज़्यादा बढ़िया भी नहीं और उतने ज़्यादा ख़राब भी नहीं, एक नॉर्मल कैमरा आपको इसमें देखने मिलता है। दोस्तों बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो आपको इसमें 5 MP का फ्रंट कैमरा मिल जाता है और वो भी एक नॉर्मल एवरेज किस्म का कैमरा है। दोस्तों बात करते हैं ये फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, जहाँ पे आपको मीडियाटेक का चिपसेट देखने मिलेगा जो है हीलियो G35। दोस्तों ये जो प्रोसेसर है वो अभी एक नॉर्मल यूजर एक नॉर्मल यूसेज के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो मतलब एक सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं या मल्टी मीडिया कंज्यूम करते हैं या नॉर्मल क्रोम वोम ब्राउज करना है तो आप आराम से ये चिपसेट आराम से यूज़ कर पाएंगे। लेकिन अगर आप एक थोड़े हैवी यूज़र हो, जैसे अगर मैं पबजी जैसे गेम ले लूँ तो आप स्मूथ मीडियम में तो खेल पाएंगे और लेकिन आप 1 से 1.5 घंटे के बाद आपको थोड़े FPS फ्लक्चुएट्स देखने मिलेंगे, मतलब जो ये चिपसेट है ओवरऑल एक उतना ज़्यादा हैवी यूसेज के लिए नहीं बना, एक नॉर्मल यूसेज के लिए बना और एक लाइट हल्का फुल्का आप गेमिंग करना चाहते हैं या कुछ भी एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप आराम से कर पाएंगे। दोस्तों और एक और फीचर्स की बात करें तो आपके इसमें ब्लूटूथ 5.0 मिल जाता है, ड्यूल बैंड वाईफाई और इसके साथ आपको इसमें रेयर फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है जो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और इसके साथ आपको एक फास्ट फेस आईडी भी मिल जाता है।
दोस्तों बात करते हैं यूआई के बारे में, तो आपको इसमें रियलमी यूआई देखने मिलेगा जो लेटेस्ट एंड्रॉयड 10 के साथ रन होता हुआ आता है। दोस्तों अगर यही थे पूरे इसके फीचर्स, अगर हम ओवरऑल ये फ़ोन के बारे में बात करें कि आपको क्या ये लेना चाहिए, क्या ये वर्थ है लेने के लिए, क्या आपको 9000 अपने ये फ़ोन में डालना चाहिए या नहीं, तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं कि ये जो फीचर्स है आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फीचर्स मिल रहे हैं 9000 के लिए। अगर आपको मैं बैटरी बैकअप की बात करूँ, 6000 mAh की बैटरी जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इसके साथ अगर आपको डिस्प्ले की भी बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया डिस्प्ले मिल जाता है। ओवरऑल जो ये फ़ोन बना है वो एक नॉर्मल यूसेज के लिए बना है, नॉर्मल यूज़र के लिए बना है, एक हैवी टास्कर या हैवी यूज़र के लिए नहीं बना है। और ये जो फ़ोन है आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा स्टूडेंट्स के लिए भी, जहाँ पे आपको जानते हैं कि जो वर्क फ्रॉम होम है और जो भी आपको जो ऑनलाइन क्लासेस रहते हैं, जो भी ऑनलाइन जो वर्क रहता है वो आप ये फ़ोन से आराम से कर पाएंगे। और इसके साथ अगर आप एक ऑफिस पर्सन भी हो, जैसे आपको नॉर्मल कॉल्स वॉल्स लेना है या नॉर्मल कुछ भी सोशल मीडिया वो सब देखना है, तो आप आराम से ये फ़ोन को यूज़ कर पाएंगे। एक 9000 के हिसाब से आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया डिस्प्ले बैटरी मिल रहा है, और वही अगर आपको थोड़ा बेटर प्रोसेसर इसमें मिल जाता तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता। और थोड़ा अगर बैटरी का जो चार्जर है, अगर मेरे हिसाब से अगर थोड़ा मतलब एक 15W या 18W का चार्जर मिल जाता तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फ़ोन आपको इसमें मिल जाता है। लेकिन ओवरऑल जो ये फ़ोन है 9000 के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अगर आपको ये लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन एरिया में आपको लिंक छोड़ा, आप जाके ज़रूर चेकआउट करिए। तो दोस्तों यही था ये पूरे वीडियो के लिए ये फ़ोन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या फ़ोन पसंद आया तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करिए आपके ये रियलमी C12 के फ़ोन के बारे में, क्या आप ये लेना पसंद करेंगे या क्या आपको इम्प्रूवमेंट्स ये फ़ोन में करना चाहिए था। दोस्तों ऐसे ही मिलते हैं अगले टेक वीडियो के साथ। थैंक यू।